अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों, क्या आपका चैनल मोनेटाइज होने के काबिल हो चुका है? आपके 4000 हॉर्स पूरे हो चुके हैं वॉच टाइम, और उसके अलावा 1K सब्सक्राइबर अगर पूरे हो चुके हैं तो ये वीडियो उनके लिए, तो वो वीडियो को पूरी देखें, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप मोनेटाइज करवाना चाहते हो, उससे पहले अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपको बहुत फायदा होगा। ये वीडियो आपने पहले लाजमी देख लेनी है, मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले पहले ये वीडियो पूरी देख लेनी है, ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ सके। आप अगर ये वीडियो देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके 48 घंटे के अंदर अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। बात ये है, टोटल मैं आपको सारी बात बता देता हूँ क्लियर करके, मेन पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं। तो आपने अगर देखे, मैं खुद भी करता हूँ, सारे यूट्यूबर करते हैं, मतलब किसी और के जो है ना, वो टाइटल्स कॉपी करके, उनके डिस्क्रिप्शन कॉपी करके, उनके टैग्स कॉपी करके हम अपनी वीडियो के नीचे लगा देते हैं, ताकि हमारी वीडियो रैंक करे और हमारे व्यूज़ आ जाएँ, ठीक है। हम भी ऐसा करते हैं, आप भी करते होंगे। तो जब आप इस तरह से ही जो है ना, वो आपका वॉच पूरा, वॉच टाइम पूरा हो जाता है, सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके मोनेटाइजेशन अप्लाई वो रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। फिर आप सिर पकड़ के बैठे होते हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आपने पहले पूरी नॉलेज तो ले लेनी है ना, आपने सब मोनेटाइज के लिए चैनल भेज तो रहे हो, लेकिन आप पहले देख तो लो कि आप अपने चैनल के साथ किया क्या हुआ है, आपके चैनल ग्रो किस तरह हुआ है, आपने वीडियोस किस तरह बनाई है, आपने क्या किया क्या है अपने वीडियोस के साथ। तो उसके बाद आप पूरी वीडियो को सर्च देख के फिर उसके बाद अपने मोनेटाइज के लिए अप्लाई करो, क्योंकि आगे फुद्दू तो नहीं बैठे हैं वो, उनको तो पता होता है सारी बात कि वो किस तरह से ये चैनल मोनेटाइज हुए, किस तरह से इनका वॉच टाइम पूरा, वो सारा बात उनको, वो तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसको तो पता लग जाता है क्या सिस्टम किया हुआ है इसने अपनी वीडियोज़ के साथ और चैनल के साथ, ठीक है। आपने करना क्या है, मेन पॉइंट पर बात आते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, आपने किया करना क्या है, अपने सिंपली ये करना है, आपका वॉइस टाइम पूरा हो गया, आपके सब्सक्राइबर पूरे हो गए, ठीक हो गया, डन हो गया, गुड हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है मैं बताता हूँ, उसके बाद आपने अपनी जितनी भी वीडियोस हैं उनकी दोबारा से SEO करनी है। अगर बात समझ आएगी, बात पूरी गौर से सुन लेना, अगर बात समझ आएगी तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, आपका हक बनता है, फिर मेरा भी हक बनता है आपसे सब्सक्राइब करवाने का, ठीक है। तो आपने सारी वीडियोज़ को SEO दोबारा से कर लेनी है एक दफ़ा से, ठीक है, बात पूरी सुन लेनी है, बड़ी काम की बात है। दोबारा SEO कर लेनी है वीडियो की, उनके टाइटल चेंज कर लेने, उनके थंबनेल चेंज करने, अपना किसी के फिर कॉपी नहीं करने, अपने खुद के लगा लेने, अपने जेन से लगा लेने। अब आप एक दिन लगा के करो, दो दिन लगा के, पाँच दिन लगा के करो, लेकिन उससे पहले मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बेशक आपका पूरा वो वॉच टाइम पूरा हो चुका है, सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, सिर्फ आप 4-5 दिन वेट कर लेना। वो कहते हैं ना, सब्र करना अच्छी बात है, सब्र कर लिया करो, सब्र का फल मीठा ही होता है। तो हमने थोड़ा सा सब्र कर लेना है, उसको उसकी सारी SEO कर ली, उसके टाइटल्स वगैरह चेंज कर लिए, अगले हटा के दोबारा लगा लिए, उसके बाद अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर ली, सारी टैग्स वगैरह अपने चेंज कर लिए, अपने ओरिजिनल टैग्स लगाने अपने जहन से लगा लेने, ठीक है। उसके बाद अपने थंबनेल सारे चेंज कर लिए, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है, सब कुछ चेंज हो गया। उसके बाद आपने जो है ना, 48 घंटे तक अपने चैनल को नहीं छेड़ना, 48 घंटे से पहले पहले आपने मोनेटाइजेशन अपडेट, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करना 48 घंटे से पहले पहले। ये सब कुछ चेंज करने के बाद सारी वीडियो की SEO कर ली, सारी वीडियोज़ की SEO कर ली, ठीक है। अगर कोई आपने कॉपीराइट लगाए हुए हैं तो वो हटा देने, ठीक है, वहाँ पे आप वो वीडियोज़ हटा देनी, अगर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई हैं या फिर क्लेम आए हुए हैं तो वो पार्ट्स कट कर लेने, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, उसके बाद 48 घंटे तक आपने अपने चैनल को नहीं छेड़ना, 48 घंटे के बाद आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है, पूरे 48 घंटे के बाद अप्लाई कर देना है, इंशाल्लाह 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 आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपने, अगर कोई वायलेशन नहीं की होगी तो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलना। चलो चलो चलो, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, बाद में जाना। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।